Let us see. Let us discuss autonomy. Autonomy of mitochondria. Mitochondria. Mitochondria autonomous sir? Yes, semi autonomous sir. ऐसा बोला गया है. It has a good degree of It has good degree of autonomy. Autonomy means independence. Independence. तो ये इंडिपेंडेंट है किसके लिए? फॉर देयर ओरिजिन ओरिजिन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड फंक्शन के लिए. अगर इसमें हम देखें तो पहली बात हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि माइटोकांड्रिया डेवलप कैसे होता है, न्यू माइटोकांड्रिया कैसे बनती है. इस पर फोकस करें तो डेवलप बाई डेवलप बाई डिवीजन. वही माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती है. डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया. प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के डिविजन से ये होता है. इन एनिमल सेल या इन हाई प्लांट्स एंड ऑफिस स्प्रिंग एंड ऑफिस स्प्रिंग्स ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम इट्स मदर. अगर वो एनिमल है तो भी मदर कैसे? टू मेल गैमेट. टू फीमेल गैमेट. तो जो फीमेल गैमेट होता है, अगर वो ओवम है तो ओवम बड़ा सा है,
उसमें न्यूक्लियस है, उसमें माइटोकांड्रिया है, मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट का ज्यादातर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन में, तो जो जाइगोट बनेगा दिस जाइगोट विल कैरी माइटोकांड्रिया ऑफ ओवम, ये ओवम का ही माइटोकांड्रिया होगा और माइटोकांड्रिया स्वयं डिवाइड करती है। माइटोकांड्रिया का ग्रोथ इंटरनल होता है, कुछ और पॉइंट पर आए तो ग्रोथ ऑफ माइटोकांड्रिया ये ग्रोथ कैसे होता है, इंटरनल होता है और इस इंटरनल ग्रोथ के लिए जो स्ट्रक्चर प्रोटीन चाहिए तो समग्र स्ट्रक्चर प्रोटीन सम स्ट्रक्चर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकांड्रिया। And its amino acids are derived from mitochondria. लेकिन एक बात यहां पर आएगी, समाप्त रॉ मटेरियल of the raw material obtained from cytoplasm, तो कुछ raw material cytoplasm से बनता है और एक चीज और है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज बाय माइटोकांड्रिया, बहुत सी एंजाइम माइटोकांड्रिया स्वतः बनाती है और सब प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म गाइडेड बाय न्यूक्लियस। In this way, mitochondria is semi-autonomous.